तो भाई बनी दीक्षित से लेकर संजना भाटिया तक जो है हर दिल में समाई, आज हमारे साथ हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। इनका नाम है प्राची देसाई। कैसी हैं प्राची आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी एकदम मुंबई वालों से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुंबई से यहाँ तक आने का मेरा भी सफर तय हुआ है और आप मुंबई से हैं, तो कनेक्ट थोड़ा जल्दी से हो रहा है। वाह, और बहुत दिनों बाद आपको देखने का भी मौका मिल रहा है, इसलिए और ज्यादा खुश हूँ। तो इस खुशी को करते हैं बरकरार और शुरुआत करते हैं आज की भाई चैलेंज टू करके। पहले जो आपके चैलेंज आए थे उसने तो सबके मुंह पर पट्टी बांधी थी, क्योंकि आप जब आती थी ना ग्लैमर का तड़का लग जाता था पूरे सीन में। इस बार क्या करने वाली है इंस्पेक्टर साहिबा? वेल, इस बार हमारे कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कई ज्यादा है। उस समय एक केस था जिसे सॉल्व करने के लिए हमें स्पेशली लाया गया था। इस बार मल्टीपल केसेस हैं। किस तरह से इन मर्डर्स मर्डर मिस्ट्रीज को हमें सॉल्व करना है, काम दुगना है और टाइम कम है, बिकॉज आई मीन 2 घंटों में बस वो सॉल्व करनी है मिस्ट्री। बट यस, इट्स नाइस टू बी बैक एज संजना भाटिया। सही बात है, संजना भाटिया का किरदार और लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड के परिवार के साथ आपका पहला इंटरव्यू हो रहा है, तो हम पहले तो उसका उसके लिए भी आपका स्वागत करेंगे। और मनोज जी की बात से उठाते हैं, मनोज जी ने अभी हाल ही में मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस बार आपको प्राची सरप्राइज करने वाली है। तो कैसे सरप्राइज करने वाली हैं आप, थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि आप आई नो कि सरप्राइज सरप्राइज होता है। अब अगर मैंने स्पॉइलर दे दिया तो फिर फिल्म का मजा बिगड़ जाएगा। लग बट रहा है स्पॉइलर नो, मैंने दे दिया। दैट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम टू से, दैट वाज वेरी नाइस ऑफ सर टू से। बट इस बार वी आर रियली ऑन आवर टोज। ये जो जो केस है दैट हैज रियली गॉट अस इंटेंसली इनटू इन्वॉल्व्ड इनटू इट। एंड मैं सोच रही हूँ मैं कितना बोलूं, मैं ना बोलूं। बट देखिए यस, बोलना द एफर्ट हैज डेफिनेटली बिन मोर, सो आई गेस दैट्स जस्ट व्हाट ही वाज सेइंग। संजना के किरदार में प्राची जी आप बड़ा फिट भी नजर आ रही, बड़ा कंपोज, जैसे एक कड़क पुलिस वाले होते हैं ना, पुलिस वालियां जो होती हैं। तो ये बताइए सबसे पहले कि किरदार की प्रिपरेशन इस बार कितनी डिफरेंट है जो पहले बार से, पहले सीजन से? यूर राइट एक्चुअली। आई थिंक एक कॉप कॉप या पुलिस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत मायने रखती है फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू सी देम ऑन स्क्रीन। सो दैट हैज डेफिनेटली बीन टेकन इनटू अकाउंट। इस बार हम स्पेशल क्राइम यूनिट से हैं, सो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हमारे अंडरकवर चल रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नीड टू काइंड ऑफ बी ड्रेस्ड अ लिटिल मोर सिंपली, एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन, ताकि आप को पता ना चले कि दिस पर्सन नेक्स्ट टू अस ऑन द स्ट्रीट कुड बी अ कॉप। बट यस, इस बार हमें कुछ अलग करने का मौका मिलता है। दिस इज दिस टाइम वी नो द टीम बेटर। मैं बहुत बार मैं रुक रही हूँ बिकॉज आई एम अबाउट टू से समथिंग एंड देन इट्स गोइंग टू गिव यू अ स्पॉइलर एंड स्पॉइल द सस्पेंस आने गाइस। दीजिए, बाहर आने दीजिए, बाहर आने दीजिए, क्योंकि आपके फैंस जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा चलिए, तो कम बताइए, ज्यादा रिवील नहीं करते हम लोग। ये बताइए कि चलती फिरती पाठशाला है आपके साथ मनोज जी, जी जब भी उनसे बात होती है तो कुछ ना कुछ सिखा देते हैं, जर्नलिस्ट लोगों को भी सिखा देते हैं, लेकिन एक अभिनेता तो बेहतरीन नहीं है। तो आपने क्या सीखा उनसे और क्या चीज ऑब्जर्व की आपने उनसे? उन्हें बस देखकर, ऑब्जर्व करके, उनके साथ सेट पर वक्त बिताकर मुझे लग रहा है जो जितना जितनी लर्निंग मिल सकती है ना वो आपको किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर शायद ना मिले। उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतना बॉडी ऑफ वर्क है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज हाउ हार्ड ही वर्क्स। आई बिलीव ये उनकी 99th फिल्म है, साइलेंस 2। बट फिर भी उन्होंने अपनी पूरी प्रेपरेशन की बिफोर कमिंग ऑन सेट्स फॉर द फिल्म, और उनकी उनका बस प्रेपरेशन वहां तक सीमित नहीं है। वो हर सीन के पहले अपना कुछ वक्त लेकर प्रिपेयर करते हैं। एंड ऑनेस्टली यस,
आई मीन ही डिलीवर्स सो ब्यूटिफुली, और उनके रोल्स जो होते हैं वो लिखे भी इस तरह से जाते हैं कि लोगों को पता है कि इन्हें सिंपल काम तो हम दे नहीं सकते, यू नो द रोल्स हैव टू बी दैट मच मोर डिमांडिंग. तो आपको हर एक बार सेट पर उन्हें यू नो आप देखते हो कि कितनी वेरिएशंस यू नो वो आई मीन जस्ट द वेरिएशंस इन हिज एक्टिंग इन हिज सीन दैट इज वेरी ब्यूटिफुल टू वॉच एज अनदर एक्टर. अच्छा, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि क्रिकेट में एक शब्द है कि नर्वस 90 का लोग शिकार हो जाते हैं, लेकिन 99 फिल्म है मनोज जी की, वो आपके साथ तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हो सकते। क्योंकि मुझे मालूम है कि प्राची जो है वो बिहाइंड द कैमरा भी बड़ी चुलबुली सी हैं, मस्ती करती रहती हैं। तो ऐसा तो नहीं रहा कि कई बार उस मस्ती के चक्कर में कुछ सीखा भी हो और थोड़ी सी डांट भी पड़ी हो मनोज जी से, कुछ उस तरह का इंसिडेंट क्या कीजिए। यू नो फॉर्चुनेटली डांट खाने वाला साहिल था हमारी टीम में जिसका नाम है इंस्पेक्टर अमित, क्योंकि वो हमेशा गलत वक्त पर जोक क्रैक करता था. तो जब भी मनोज सर के सीरियस डायलॉग्स या सीन्स हैं उससे पहले वो हंसा देता था हमें, एंड देन वी ऑल हैड टू गैदर आवर सेल्व्स एंड यू नो काउंट 1 to 10 इन आवर माइंड्स टू कम बैक टू द शॉट और द सीन. डांट तो नहीं खाई मगर मनोज सर के हाथ का खाना जरूर खाया मैंने. यू नो आई नो, मैं वो ही पूछने वाला था, आई वॉज अबाउट टू आस्क। टू हाँ, वो जेनरस. खाना जी, खाने की बात थोड़ी सी मुझसे बताइए, क्योंकि जब रसोईया नहीं आता तो सेट पर क्या बनाते थे? बिहार की वो डिलीशियस बनाते थे, चोखा बाटी, दाल बाटी, क्या बनाया करते थे वो? वो जरूर बिहार की डिशेस बनाकर हमें खिलाते थे, एंड कुछ इस तरह की रेसिपीज जो आपके वो रेसिपी बुक्स में कभी नहीं मिलेगी. सो बहुत मजा आता था खाकर. कभी कभार ऑनेस्टली उनका जो एपेटाइट है सारे टीममेट्स का, आई कुड नॉट कीप अप विद दैट. तो मेरी जो डायरेक्टर है आबान और मैं, हम जाकर छुप जाते थे बिकॉज इतना खाना हम नहीं खा आई सकते. नो। हाँ, प्यार से वो खिलाते थे, एंड वो यू नो ही इज टू पुट द फूड सो मच फूड ऑन आवर प्लेट्स. इट्स जस्ट वेरी वेरी नाइस. इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम. उन्हें लगता है कि आई थिंक व्हेन अ टीम ईट्स टुगेदर देन दे स्टे टुगेदर. तो इट इट वाज लाइक अ फैमिली. या प्राची, अगर आपके करियर की बात करें, छोटा लेकिन बेहद ही शानदार, क्योंकि इतना सारा प्यार आपको दिया गया है। अब ये सुनिए, बनी से आपने स्टार्ट किया, गर्ल नेक्स्ट डोर वाली आपकी इमेज, फिर आपने रेट्रो लुक में भी लोगों का दिल जीता है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में, और उसके बाद बहुत ग्लैमरस भी दिखाई दी, डांस रियलिटी शोज भी आपने जीत डाला, पहली बार में ही निकाल दिया, वाह। और उसके बाद अब ये जो पुलिस वाली है, ये कड़क पुलिस वाली होगी या ऐसी पुलिस वाली होगी जिसे देखकर प्यार हो जाए? भाई बहुत अरे फंसा दिया, इसे बताइए। आई मीन यू नो रोल कैसा भी हो आपका, एक एक एक्टर का विश यही होता है कि बस लोग आपसे यू नो दे फॉल इन लव विद यू विद फॉर दैट कैरेक्टर. सो कोशिश तो यही होती है. बट ये जो कॉप है संजना, आई थिंक शी इज अ वुमन विद अ हार्ट फॉर श्योर, एंड उसकी जो एक फेमिनिन एनर्जी है वो आपको जरूर दिखती है फिल्म में, क्योंकि यस पुलिस पर्सन जॉब इज टफ, मगर यू नो यू आर अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे. तो कई सारी जगह है फिल्म में जब आप देखेंगे कि वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है, एंड इट्स नॉट अ जनरलाइजेशन ऑफ एनीबॉडी और एनीथिंग, बट हम बहुत यूज टू है कि हम सारे कॉप्स को एक ही तरह देखे या एक ही तरह का रिप्रेजेंटेशन यू नो स्क्रीन पर देखते हैं, मगर एक्चुअली कॉप्स यू नो दे आर ह्यूमन एंड रियल लाइफ में कितने अलग अलग होते हैं, एंड दे डील विद थिंग्स सो डिफरेंटली. सो दैट्स आई थिंक यू सी संजना इज अ कॉप विद अ हार्ट. या राइट, संजना के किरदार में की अगर बात करें तो बहुत कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिल रहा, बहुत डिजाइनर कपड़े पहनने का मौका नहीं मिल रहा है, बहुत सटल सा मेकअप भी है, ऐसे ही आप इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो ये बताइए कि प्राची जी, इस जो कंफर्ट वाला लुक, एकदम सादगी भरा वाला लुक है, वो आपको खुद कितना पसंद आ रहा है? अभी तक जितने भी टीजर प्रोमोज बाहर निकले तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं आपको? मुझे बहुत पसंद है. यू नो आई थिंक मुझे हर किस्म का रोल यू नो करने का मजा ही जेन्युइनली कुछ और है. एंड या यू नो ऑन स्क्रीन बेसिकली जब आप
वो यूनिफॉर्म, आई मीन जब आप वो कॉस्ट्यूम किसी भी कैरेक्टर का डालते हो, यू फील वेरी डिफरेंट, एंड आई ट्रूली मीन इट. चाहे वो कुछ बहुत ही ग्लैमरस हो या बहुत ही सिंपल हो, यू फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. उसके बाद ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो कौन सी स्पेस में है या किस किस्म का क्या है, बट इट्स अमेजिंग. आपका एक गाना आया था पीलू, उसके बाद ये समझ लीजिए हर किसी ने मोहब्बत का वो प्याला पी लिया था। तो उस तरह की ताजगी, उस तरह का जो आपका ऑरा दिखाई देता है गानों में, वो तो मुझे लगता है इस फिल्म से मिसिंग होगा। लेकिन क्या है कुछ सरप्राइज एलिमेंट, मैं बार बार सरप्राइज खोज रहा हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत गजल थी साइलेंस वन में, लेकिन मेरी भी यही शिकायत थी कि क्यों हमें वो ज्यादा सुनने नहीं मिली, बिकॉज बहुत खूबसूरत गाना था. आई थिंक उस गाने के थ्रू मनोज सर का जो कैरेक्टर है एसीपी अविनाश, उनकी जो लोनलीनेस है वो हम डिपिक्ट कर रहे थे. साइलेंस टू में, चलो मैं शिकायत लगा ही देती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि पार्ट थ्री में सॉन्ग्स तो होने ही चाहिए. यो पार्ट मिसिंग विल थ्री में बी, सॉन्ग होने चाहिए। यस. राइट राइट। तो चलिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, क्योंकि आपको बहुत चाहे मैं आपके रील्स देखता रहता हूँ, आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उसी जगह से आया हूँ, तो देखते हूँ कि बड़े जो पेपराजीज हैं वो आपको बड़ा एडमायर करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, पीछे लगे रहते हैं, प्राची जी प्राची जी प्राची जी प्राची जी। तो वो जो आपको इतना प्यार मिलता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर आपके फैंस हो, और आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है साइलेंस टू, तो इस बार क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से कि वो आपकी फिल्म साइलेंट होके देखने आए या प्यार बचाए, बताइए। मैं सबसे पहले बहुत 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 बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत प्यार मिलता है हमें, एंड इतना प्यार साइलेंस वन के लिए मिला जिसकी वजह से हम ये पार्ट टू बना पाए ऑडियंस के लिए. सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. इस बार हमने बहुत मेहनत और ज्यादा कोशिश की है कि आपको और एंटरटेन करें. सो 16 अप्रैल को जब हम मिलेंगे Z5 ग्लोबल पर साइलेंस टू के लिए, तो आई होप कि आप वो एक्सपीरियंस एंजॉय करें. इस बार जो साइलेंस है ना वो लाउडर है. सो You get what I'm saying. So this time, we would love to hear back from you and know कि आपको कैसा लगा और क्या ये आपको अलग लगा कि नहीं. थोड़ा सा तो कम से कम सरप्राइज हमने रिवील कर दिया। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या होंगे प्राची के, ये बताइए। हाँ, देखो मुझसे कहा गया है कि इस मामले में साइलेंस साइलेंस। मेंटेन किया तो जाए, बट चलिए या भैया जी, या यू कंटिन्यू प्लीज। No, I was just saying, but very soon we will make announcements and we will tell you guys. देखिए मनोज जी भैया जी बनकर सेंचुरी मारने जा रहे हैं, हाँ तो उनके लिए कुछ कह दीजिए। आपके को स्टार भी हैं और बहुत बड़े कलाकार भी हैं। मैं कहूंगी कि मनोज सर के साथ काम करने का ये जो एक्सपीरियंस है, इट इज वन वन इन वंस इन अ लाइफ टाइम, एंड एवरी एक्टर्स ड्रीम टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम. सो मेरा सपना तो पूरा हो गया है. इस बार मनोज सर जो है वो इस फिल्म में, ही इज एंग्रियर एंड ही इज मोर इंटेंस एंड ही इज ऑन अ मिशन. सो यू डोंट वॉन्ट टू मिस दैट. आप जरूर देखिए, एग्जैक्टली He will blow your minds because he's so good, and उनका तो क्या ही कहा जाए उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में. This will be remembered for sure. आई एम रियली लुकिंग फॉर फॉर इट। थैंक यू सो मच लाइका रेडियो, लाइका गोल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए। आप यूं ही अच्छा काम करती रहें, इतनी ही खूबसूरत लगती रहें और अपने फैंस का दिल जीती रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Anurag. Thank you, Laika. थैंक यू Thank सो मच। टेक केयर। you.